बच्चों, रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं के बारे में बताया कि कोशिकाएं मधुमक्खी के छाते के समान दिखती हैं। तो इसे देखने के लिए हमारे पास एक माचिस की का बॉक्स है। इस माचिस की बॉक्स की तीलियों को देखने से पहले हम पानी में 1 घंटे के लिए इसको डुबाकर रखना है। हम कुछ माचिस की तीलियों को पानी में भिगोकर रखेंगे कम से कम 1 घंटे के लिए। बच्चों, हमने यहाँ पे माचिस की तीलियों को पहले से 1 घंटे से भिगाकर रखा हुआ है। अब इन माचिस की तीलियों की जो कॉर्क है उसका बहुत बारीक सेक्शन कटिंग करेंगे। सेक्शन कटिंग आप सबको आता है कैसे करना है। हम इस माचिस की तीली को स्लाइड में बराबर रखकर तेज धारदार ब्लेड की सहायता से बहुत बारीक सेक्शन काटेंगे। क्योंकि हमको बारीक सेक्शन का सिलेक्शन करना होगा तो हम 8-10 स्लाइड्स काट लेंगे ताकि हम उसमें से सबसे बारीक को सेलेक्ट करके माइक्रोस्कोप में लगा के देखें। बच्चों, हमने जो बहुत ज्यादा बारीक सेक्शन कटिंग किया है इसमें से जो सबसे ज्यादा बारीक होगा उसका उसको आप सेलेक्ट करेंगे और थोड़ा सा इसमें पानी लगा लेंगे ताकि ये सूखे ना। जैसा मैंने यहाँ पे एक ले लिया है स्लाइड की कटिंग और उसे हम कवर स्लिप से प्रेस करेंगे। ये कवर स्लिप ऐसे लगाएं ताकि इसमें एयर बबल ना आए और बहुत स्मूथली इसे प्रेस करेंगे। और स्लाइड के चारों ओर जितना भी एक्स्ट्रा है सारा कुछ साफ कर देंगे। अब जो हमारा ये स्लाइड है इस स्लाइड को हम माइक्रोस्कोप में सेट करके देखते हैं कि ये दिखता क्या है और कैसे दिखता है। बच्चों, जैसा भी हमको दिख रहा है यहाँ पर, जैसा रॉबर्ट हुक ने बताया था, सेम वैसा ही कोशिकाएं छोटे छोटे कोष्ठक नुमा संरचना में हैं, जो बिल्कुल मधुमक्खी के छाते के समान दिखती हैं।